गाइज हम दिखाते हैं आपको बटरफ्लाई का प्लांट। तो ये बटरफ्लाई का प्लांट, ये भाई बताएंगे कैसे होता है बटरफ्लाई, कैसे निकलते हैं बताइए। इसके अंदर जितने प्लांट हैं सब बटरफ्लाई के लार्वा होता है, नेक्टर प्लांट है। ओके, हमने बटरफ्लाई से संबंधित पौधे लगाए गए हैं इसके अंदर। ओके, जैसे बटरफ्लाई जिनसे एग लेती है या जिनसे नेक्टर लेती है, जैसे और चीजें डायरेक्ट एग द्वारा या गर्भ द्वारा निकलती है। बटरफ्लाई एक ऐसी जंतु है जो सिर्फ 22 दिन जिंदा रहती है लेकिन उसका लाइफ साइकिल जो है पूरे साल भर चलता है। ओके, पहले एग देगी, एग के बाद कैटरपिलर, कैटरपिलर जो होते हैं भोजन खाते हैं, उसी जो उसका होस्ट प्लांट होगा उसी पत्ते को खाएंगे। ये कह रहे हैं जिससे कैटरपिलर भोजन खाते हैं उसका जो होस्ट प्लांट होगा उसी पत्ते को खाएंगे और उसी पत्ते पर फिर वो उसके बाद क्योंकि कोकोन कहीं भी बना सकते हैं, वो उस पौधे पे कोकोन बना सकते हैं कहीं भी। कोकोन बनाने के बाद उसे भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कोकोन बना देते हैं। जैसे कि देखिए आप, ये रहा, ये कोकोन बनाया हुआ है, उन्हें भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। और ये रे दो, और ये ढेर सारे भाई दिखा रहे हैं हमें नीचे, ये बने हुए देखिए, जैसे ये कोकोन बने हुए, इनसे बटरफ्लाई निकलेगी। थोड़ी सी गर्मी पड़ेगी तो बटरफ्लाई निकलेगी, जैसे कि मार्च के महीने में या एक दो महीने बाद, तो उनसे बटरफ्लाई निकलेगी और वो निकले खुद उड़ जाएंगी। इसमें कोई वुमेंट्स का कोई वो नहीं है इन्वॉल्वमेंट, बटरफ्लाई खुद ही इनको खाते हैं। कोकोन जो होते हैं वो खाते हैं इनको पौधों को, और वो अपने कोकोन खाते हैं ना, कोकोन नहीं खाते, बटरफ्लाई पत्ते खाएंगे, बटरफ्लाई एग देंगे। ओके, उसके बाद कैटरपिलर बनेंगे, कैटरपिलर जो है उनके लीव्स खाते हैं जो उनका हाउस प्लांट होता है, उसके बाद ये कोकोन बनते हैं जो आपको दिखाया। तो कोकोन वो खुद ही बना के जाते हैं, वो जिस पौधे पे खाते हैं उसी पौधे पे कोकोन बनाते हैं, उसके बाद बटरफ्लाई अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, जरा सी गर्मी, ठीक है, जरा सी गर्मी पड़ेगी बटरफ्लाई निकलेगी। देखिए कितने अच्छे हैं ये देखिए ये पौधे, ये सब